नमस्कार, मैं यश शर्मा, कोठारी स्टडी नेटवर्क में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। हाल ही में राष्ट्रपति ने शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के छठे संस्करण में स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और समग्र स्वच्छता बनाए रखने में उनके प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया। यह समारोह स्वच्छ अमृत महोत्सव के दौरान आयोजित किया गया था, जो स्वच्छ भारत अभियान शहरी के पिछले 7 वर्षों में शहरों की उपलब्धियों का उत्सव है और स्वच्छ भारत अभियान शहरी 2.0 के माध्यम से स्वच्छता के अगले चरण में नए जोश के साथ आगे बढ़ने के लिए शहरों और नागरिकों की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। हाल ही में केंद्रीय श्रम मंत्री और रोजगार मंत्री ने घरेलू कामगारों पर पहले अखिल भारतीय सर्वेक्षण की शुरुआत की। स्वतंत्र भारत में पहली बार ऐसा राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किया जा रहा है और इसे लगभग 1 वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। मत्स्य विभाग द्वारा आंध्र प्रदेश को देश में सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का नाम दिया गया है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत मत्स्य विभाग ने विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर 21 नवंबर 2021 को क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों और विकास में उनके योगदान को पहचानने के लिए 2021-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को सम्मानित किया। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने भुवनेश्वर में पुरस्कारों की घोषणा की। कार्तिक पूर्णिमा पर ओडिशा के विभिन्न जल निकायों में बोईता बंदना मनाया जाता है। त्योहार समुद्री परंपरा है जिसे कलिंग के समुद्री व्यापार इतिहास के लिए एक वसीयतनामा के रूप में मनाया जाता है। अहोम सेना के जनरल लचित बोरफुकन की जयंती को चिन्हित करने के लिए 24 नवंबर को भारतीय राज्य असम में लचित दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। लचित बोरफुकन का जन्म 24 नवंबर 1622 को चराइवदेव में हुआ था और वह सरायघाट की लड़ाई में अपनी सैन्य खुफिया जानकारी के लिए जाने जाते हैं। 1999 से हर साल राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से सर्वश्रेष्ठ कैडेट पासिंग आउट को लचित बोरफुकन गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाता है। महावीर लचित पुरस्कार असम में ताई अहोम युवा परिषद द्वारा उल्लेखनीय व्यक्तियों को दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार और एक तलवार प्रदान की जाती है। हर साल 24 नवंबर को सिख धर्म के सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर की शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे देश में इस दिन को गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह 24 नवंबर 1675 को था। गुरु तेग बहादुर ने उन लोगों के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया जो उनके समुदाय के भी नहीं थे, धर्म, मानवीय मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों की रक्षा के लिए। हाल ही में रूस ने देश के उत्तर में एक युद्धपोत से अपनी सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल दागी है। इससे पहले यह बताया गया था कि चीन ने एक परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन का परीक्षण किया है जिसने अपने लक्ष्य की ओर गति करने से पहले दुनिया का एक चक्कर लगाया था। अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने घोषणा की है कि देश दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनने की योजना बना रहा है। नए शहर को लॉ यूनियन के पूर्वी क्षेत्र में विकसित करने की योजना है और शुरुआत में बिटकॉइन समर्थित बॉन्डों द्वारा वित्तीय पोषित किया जाएगा। इसे ज्वालामुखी से भूतापी शक्ति प्राप्त होगी। हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना ने 20 नवंबर 2021 को 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इससे पहले यह बताया गया था कि कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभावों के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत आवासों में से केवल 5.4% ही वर्ष 2020-21 की अवधि में पूर्ण हो पाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत लागू किया गया है। निजी क्षेत्र में ऋणदाता आईसीआईसीआई बैंक ने भारतीय निर्यातकों और आयातकों को डिजिटल बैंकिंग और मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए ट्रेड इमर्ज नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ट्रेड इमर्ज के साथ सीमा पार व्यापार परेशानी मुक्त और शीघ्र सुविधाजनक हो जाएगा क्योंकि एक ही स्थान पर सेवाओं की श्रृंखला की पेशकश की गई है। इसलिए कंपनियों को कई टच पॉइंट्स के साथ समन्वय करने की आवश्यकता नहीं होगी। निर्यातक और आयातक जो आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहक नहीं है वे भी इस प्लेटफॉर्म का लाभ उठा सकेंगे। धन्यवाद।